बिजनौर शादी समारोह में बैंकट हॉल में कहासुनी के बाद पीछा कर रहे कार सवारों ने बाइक में मारी टक्कर, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर हुई मौत, दो घायल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक के भाई की तहरीर पर कार सवार दो लोगों पर हत्या का केस किया दर्ज। बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से कई थाना प्रभारी के कार्य क्षेत्र में किया फेरबदल। 19 निरीक्षक और उप निरीक्षक के किए तबादले। बिजनौर में साले ने भरी मार्केट में जीजा के सीने में दो गोली मारकर की हत्या। वारदात के बाद आरोपी मौके से हुआ फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी साले की तलाश में जुटी। अमरोहा के छोटीपुरा स्थित गुरुकुल में अस्मिता खेलो इंडिया योगासन विमेंस लीग नेशनल का हुआ शुभारंभ। प्रतियोगिता में विभिन्न कैटेगरी में देश भर से आई 300 महिला एथलीट का किया प्रदर्शन। अमरोहा के हसनपुर में दो बाइकों की टक्कर में एक बाइक सवार युवक की हुई मौत, दूसरा बुरी तरह से घायल। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। अमरोहा में तैनात एक सिपाही को डग्गामार बस चालकों ने मामूली बात पर पीटा। सिपाही को लोहे की रोड से हमला कर किया घायल। गजरौला पुलिस ने आगे जाकर बस और दो आरोपियों को पकड़ा और विधिक कार्यवाही में जुटी। संभल में सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को बाइक सवार ने मारी टक्कर, घायल बुजुर्ग ने रास्ते में तोड़ा दम। पुलिस ने तहरीर के आधार पर बाइक सवार के विरुद्ध FIR की दर्ज। मुरादाबाद में पीड़िता ने पड़ोसी युवक पर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से की शिकायत। पीड़िता के अनुसार वो 2 माह की गर्भवती है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल।